अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब इलेक्ट्रिक हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको 24 स्लॉट पेडेस्टल फ़ैन की वाइंडिंग डाटा और इसके कनेक्शन के बारे में थोड़ी डिटेल्स देंगे आपको। सबसे पहले आपको इसका कोर साइज बता देते हैं। तो कोर साइज इसका 2.5 cm कोर साइज है इसका। अब आ जाते हैं इसके वाइंडिंग डाटा पे। तो वाइंडिंग डाटा में इस पे जो ये वाली वायर है, मतलब अंदर वाली जो हमने रखी है, ये स्टार्टिंग है और ये जो वायर आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये रनिंग है। रनिंग में हमने 29 नंबर सिल्वर वायर इस्तेमाल की है और स्टार्टिंग में हमने 30 नंबर सिल्वर वायर इस्तेमाल की है। 1 से 4 और 1 से 6 पिच रखी गई है रनिंग में, और इसमें जो टर्न दी गई है 1 से 4 पे 170 टर्न दी गई हैं और 1 से 6 पे दी गई हैं 270 टर्न। तो ये 2 कोयल के सेट हैं और ये 4 सेट हमने बनाए हैं, और इनके कनेक्शन जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। यहाँ से एक सिरा हम लेंगे तो वो बाय रखेंगे, और उससे आगे फिर बड़े से बड़ा, फिर उससे आगे छोटे सिरे से छोटा सिरा जुड़ जाएगा, फिर उससे आगे बड़े से बड़ा जोड़कर इस तरह से 2 वायर बच जाएंगी और वो वायर आ जाएंगी। तो रनिंग में मैंने 2 वायर अलहदा से रखी हैं, ये रेड वाली जो वायर है, ये वाली रेड, ये दोनों रनिंग हैं, और बाकी जो है ये वाइट वाली वायर जो है ये स्टार्टिंग की मेन है, और इधर से ये ब्लू वाली है, एक साइड से मेन है। तो ये 2 स्पीड वायर हैं, तो मतलब ये 3 इनकी हमने स्पीड बनाई है। तो ये 3 वायर स्पीड्स बन जाएंगी। एक वायर जो ये वायर है ये रनिंग के साथ कॉमन हो जाएगी, चाहे वो आप इससे इसके साथ हो करें, अगर चक्कर का मसला आ रहा हो, चक्कर उल्टा हो, तो फिर आपने सिंपली इस रनिंग वायर के साथ इसको अटैच कर देना है, तो इसके आपके चक्कर सीधे हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं स्टार्टिंग डाटा पे। तो स्टार्टिंग में हमने 30 नंबर सिल्वर वायर इस्तेमाल की है और 1 से 4 और 1 से 6 पिच रखी है। 1 से 4 पे हमने दिए हैं 160 टन और 1 से 6 पे हमने दिए हैं 320 टन। तो ये भी 4 सेट हमने बनाए हैं और कनेक्शन सेम वैसे ही हैं जैसे कि इसकी रनिंग के मैंने आपको बताए हैं। तो सिर्फ इसमें जो चेंजिंग आपको स्पीडो वाली करनी है, 3 सेट आपने वैसे ही बनाने हैं, और चौथा सेट जो होगा उस पर आपने 201 जो बड़ा सेट होता है इसका, स्टार्टिंग का जो बड़ा सेट होता है, इस पर 230 पे आपने एक लूप निकालनी है, मतलब एक वायर को आपने निकाल लेना है जो स्पीड हो जाएगी एक हो, और दूसरी जो इस छोटे और ये बड़े सेट के दरमियान जो एक वायर होती है उसको आपने थोड़ा लंबा कर लेना है, उसके साथ भी आपने एक स्पीड लगा देनी है। मतलब एक छोटे और सेट और बड़े सेट के साथ जो जुड़ी होती है वायर, वो आपने इस स्पीड बनानी है, और एक जो हाफ मैंने 230 पे आपने बताई है बड़े की, तो दूसरी स्पीड वो हो जाएगी, और एक जो मेन स्पीड है वो एक मेन स्पीड ये हो जाएगी। तो ये 3 स्पीडें इस तरह से बनाई जाती हैं इसकी। तो इस पे आपने फ्रेंड्स कैपेसिटर 3.5 तक UF तक यूज़ करना है, इससे बड़ा आपने नहीं यूज़ करना, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड होगी और इसके अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।